हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन कॉमर्स में। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से ग्राफ्स और कर्व्स बनाने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन थीम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और इसमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। और यूटिलिटी हमेशा क्या बताती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कोई भी कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फाई कर सकती है वही उसकी यूटिलिटी होती है। और ये अलग अलग पर्सन, अलग अलग प्लेस और अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है। तो यूटिलिटी को ही ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे लॉ दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होती है वो लगातार कम होती जाती है। और इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पूरा बेस्ड है। अब इसको अगर हम ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन में यूटिलिटी के 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पहला होता है टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए समझ लेते हैं इस ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ एक कमोडिटी है जिसको हम लोगों ने एक्स माना है और इसकी हम लोगों ने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स को कंज्यूम किया है। तो इन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो पहले 0 में 0 थी और उसके बाद 1 में 8 है, 2 में आपकी 14 है, 3 में आपकी 19 है, 4 में आपकी 23 है, 5 में 26 है, 6 में आपकी 28 है, 7 में आपकी 29 है और यहाँ पर इसके बाद 8 में भी आपकी 29 है। इसके बाद से आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है और 9th यूनिट जैसे ही आपने कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये 8 यूनिट में जब आपकी टोटल यूटिलिटी 29 थी, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या सैचुरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैटिटी। यहाँ पे कंज्यूमर की 8 यूनिट्स में जब टोटल यूटिलिटी 29 है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद से यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिस यूटिलिटी। यहाँ पे हमको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। टोटल यूटिलिटी से ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करते हैं। टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करने के लिए आपको हर बार करंट टी यू को प्रीवियस टी यू से माइनस करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो टी यू एन जैसे आया यहाँ पे आपका पहले वाले यूनिट में, इसके पहले 0 है और करंट में 8 है तो आपको 8 माइनस 0 करना है तो आपका 8 आएगा। ऐसे ही सेकंड में आपको 14 माइनस 8 करना है तो आपका 6 आएगा, 19 माइनस 14 करेंगे तो आपका 5 आएगा, 23 माइनस 19 करेंगे तो आपका 4 आएगा, 26 में से 23 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, 28 में से 26 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 29 में से 28 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 29 में से 29 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 27 में से 29 माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस 2 आएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
जीरो, 0 पॉइंट जो होता है एमयू का, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। इसके बाद क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। अब इसी शेड्यूल को अगर हम लोग कर्व के फॉर्म में बनाएंगे, तो यहाँ बगल में आप देख पा रहे हैं उसका कर्व बना हुआ है। ऊपर टोटल यूटिलिटी कर्व है और उसी के नीचे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जो एक कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन लेवल को दिखा रहा है। इनिशियल स्टेज में टीयू इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, और उस समय आपका एमयू जो होता है वो लगातार डिमिनिश करता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे टीयू मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को ही हम लोग सेचुरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर आपका एमयू जीरो होता है। टेबल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 क्वांटिटी पे टीयू आपका मैक्सिमम है 29 और एमयू आपका जीरो है। तो ये वही पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो टीयू फॉल होना शुरू हो जाएगा और एमयू निगेटिव हो जाएगा। तो इसी को अगर हम ध्यान से समझें तो रिलेशन कैसे बताएंगे टीयू और एमयू का, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, टीयू और एमयू का रिलेशन। व्हेन टीयू कर्व इज राइजिंग, एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पॉजिटिव। जब तक टीयू इंक्रीज होता है तब तक एमयू फॉल होता है पर पॉजिटिव रहता है। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, जब टीयू मैक्सिमम होता है देन एमयू इज जीरो, या एमयू यहाँ पे एक्स एक्सिस टच करने लगता है। एंड व्हेन टीयू कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग, एमयू बिकम्स नेगेटिव। और जैसे ही टीयू फॉल होना शुरू होता है एमयू आपका नेगेटिव हो जाता है, ये एक्स एक्सिस से भी नीचे चला जाता है। तो ये है आपका पहला कर्व जिसको आपको समझना है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टीयू और एमयू को बेस मानते हुए ही हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अलग अलग कंडीशन समझनी पड़ती है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आपके टू कंडीशंस हैं, एक है आपका वन कमोडिटी केस और दूसरा है आपका टू कमोडिटी केस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन विद गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। यानी जब कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसकी गिवन इनकम और करंट प्राइसेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट में वो अपना कंजम्पशन चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होती है, और अगर उसके बाद वो आगे बढ़ाता है तो उसका सेटिस्फैक्शन फॉल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग डिसयूटिलिटी बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला जो हमारा केस है जिसको हम लोग बोलते हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि अगर एमयू ऑफ अ गुड और उसकी प्राइस इक्वल हो जाती है तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको शॉर्ट में हम लोग एमयू एक्स और पी एक्स भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स यहाँ पे आपका कमोडिटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका शेड्यूल बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूनिट्स है यहाँ गुड एक्स की 1, 2, 3, 4, 5, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश हो रही है 8, 6, 5, 4, 3। उसकी प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया है कि 5 है, जो सभी यूनिट्स में सेम रहेगी। अब हम लोग को ये चेक करना है कि किस लेवल ऑफ पॉइंट में हमारा प्राइस और एमयू दोनों इक्वल हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे 3 यूनिट्स पे देख पा रहे हैं एमयू आपकी 5 है और प्राइस भी आपकी 5 है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम हो जाती है, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसी को जब हम कर्व के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमयू डिमिनिशिंग फॉर्म में है, लगातार फॉल हो रही है, तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। प्राइस का जो कर्व है वो कांस्टेंट है, 5 है, तो प्राइस को हम लोग कांस्टेंटली बनाएंगे स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है क्योंकि प्राइस 5
चेंज नहीं हो रही है। ई पॉइंट जो है जहां पे पी और एम यू दोनों मीट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पे एम यू और प्राइस दोनों इक्वल हो जाती है। अब अगर आप इसको और थोड़ा समझना चाहेंगे तो इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एम यू आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 2 यूनिट्स में एम यू आपकी ज़्यादा है और प्राइस आपकी कम है, तो जब तक आपकी एम यू प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है तब तक आप अपनी कंजम्पशन को लगातार इंक्रीज करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। इसके बाद अगर कभी एम यू आपकी कम होने लगती है और प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका कंजम्पशन लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये टू कंडीशंस हैं, व्हेन एम यू इज़ मोर देन पी एक्स एंड व्हेन एम यू इज़ लेस देन पी एक्स। तो यहाँ पर ये आपका था 1 कमोडिटी केस। अब इसी को ध्यान में रखते हम लोग 2 कमोडिटी केस भी ध्यान से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1 कमोडिटी केस में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही लगता है। अब हमारा 2 कमोडिटी केस है। 2 कमोडिटी केस ये भी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का ही एक हिस्सा है। 2 कमोडिटी केस में हमारा सेकेंड लॉ लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। This law states that a consumer will so allocate his expenditure so that the utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. यानी इसको अगर हम ध्यान से समझें, consumer 2 अलग अलग commodity को consume करता है तो जब उसकी marginal utility और उसकी price दोनों ही commodity की ratio के form में express होती है और वो equal हो जाती है, उसी point को हम लोग पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ पे देख पा रहे हैं, जो मेन कंडीशन है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एक्स यहाँ पे फर्स्ट कमोडिटी है और वाई यहाँ पे सेकेंड कमोडिटी है। तो जब आपका दोनों ही कमोडिटी की एम यू और उसका प्राइस का रेशियो इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कॉम्प्लेक्स कर्व है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड में हम लोगों ने एम यू ऑफ एक्स के कर्व को दिखाया है, दूसरे साइड में हम लोगों ने एम यू ऑफ वाई के कर्व को दिखाया है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के रेशियो को कर्व के फॉर्म में बनाया हुआ है और इस पॉइंट में जहाँ पे दोनों ही कर्व मीट कर रहे हैं, जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई का रेशियो जहाँ पे इक्वल हो रहा है ई पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस पॉइंट के अगर हम पीछे जाएंगे तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर क्योंकि ज़्यादा यूटिलिटी एक्स में पा रहा है इसलिए वो एक्स की यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वाई की यूनिट्स को कम कंज्यूम करेगा, और उसके बाद लगातार कंजम्पशन से एक्स की यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो वापस एम यू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसके हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एम यू वाई अपॉन पी वाई ज़्यादा है और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कम है, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर वाई यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और एक्स की यूनिट्स को कंज्यूम कम करेगा। इससे ये होगा कि जो उसकी Y से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो लगातार फॉल होगी और एक पॉइंट वापस ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये है आपका 2 कमोडिटी केस। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा चैनल मिशन कॉमर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।